जनपद पंचायत कलारस की ग्राम पंचायत पछेका में ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे जनपद अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और किसानों के मसीहा व जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पॉलिथीन मुक्त व स्वच्छ भारत अभियान को बल देते हुए जनपद अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ ने छात्रों और ग्रामीण जनों को पॉलिथीन प्रयोग न करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर क्षेत्र युवाओं ने सफाई अभियान प्रयास की प्रशंसा की और इस मुहिम में अपना सहयोग दिया। कई ग्रामीणों ने तो सफाई करवाने में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। महात्मा गांधी के सपनों को, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी के सपनों को आगे साकार करने के लिए मैं प्रत्येक पंचायत में एक न एक दिन जाकर के वहाँ हर गली मोहल्ले में सफाई करूँगा। पॉलीथिन वहाँ कचरा होगा उसको सफाई कराऊंगा, ये संदेश दूंगा कि महात्मा गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको अपन को साकार करना है, उन्हीं रास्ते पर अपन को चलना है। ऐसी मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, ब्लॉक वासियों से, जिलावासियों से निवेदन करता हूँ कि गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उनको अपनाने से हमारी बीमारी, स्वच्छता और जो दृढ़ संकल्प है गांधी जी का उसको आगे बढ़ाने के लिए अपन तमाम प्रयास करने होंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है कि आज स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ हो गए, हम स्वच्छ रहेंगे तो बच्चे स्वच्छ रहेंगे, देश स्वच्छ रहेगा तो बीमारी नहीं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आज ग्राम पंचायत पछेगा में गया और वहाँ पर मैंने सफाई अभियान, पॉलीथीन, सारी कचरा गलियों से भीना। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी अपने कर्मचारियों, भाइयों से, नेताओं से कि गाँव गाँव जा कर के हम जब स्वच्छता खुद ही करेंगे तो स्वच्छता निश्चित होगी, ये मेरा ही संकल्प। बापू महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें जनपद के अध्यक्ष श्री माननीय सोनलाल जी धाकड़ जी को बुलाया गया, उनके साथ जनपद सदस्य श्री मुकेश शुक्ला जी दोनों उपस्थित हुए। ग्राम सभा की कार्यवाही श्री सोनलाल धाकड़ की अध्यक्षता में की गई और स्वच्छता सफाई का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री जी का संदेश था उसको पढ़कर सुनाया गया। ग्राम सभा में शासन से जो एजेंडा प्राप्त हुआ उसको मेरे द्वारा पढ़कर सुनाया गया। एक एक बिंदुवार क्रम से कार्रवाई की गई। अध्यक्ष महोदय ने सबका निराकरण मौके पर ही किया, जैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, शासन के आदेश थे उसी प्रकार अपन ने पालन किया।